इस्लाम शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है अल्लाह का फरमान है इन दीन इस्लाम के अब इस्लाम ही चलेगा दुनिया और आखरत में कामयाबी के लिए अच्छा इस्लाम क्या है तो हम अल्लाह के रसूल से ही पूछ लेते हैं एक शख्स आए जवरील इंसानी शक्ल में आकर के लेंगे या रसूल मल इस्लाम इस्लाम क्या है तो आप देखिए आपने कहा इस्लाम ला ला मोहम्मद रसूल की गवाही देना नमाज पढ़ना ज़क़़़़़त देना रोज़ा रखना और अल्लाह के घर का हज करना जो कर सकता हो ये साथ लगा दिया कि सब पे फ़र्ज़ नहीं ज़क़़त सब पे फ़र्ज़ नहीं रोज़ा नमाज़ ईमान ये तीन चीज़ें ईमान चौबीस घंटे फ़र्ज़ है नमाज़ पांच वक्त फ़र्ज है और रोज़ा महीने में साल में एक महीना फर्ज है और उसमें भी बीमार के लिए छुट्टी है मुसाफिर के लिए छुट्टी है ज़कवा़त पैसे वाले पर है नहीं है तो छुट्टी है और हज भी पैसा भी हो सेहत भी हो पैसा कोई नहीं माफ पैसा है सेहत कोई नहीं माफ अब इसी बात को मैं ये है इब्तदा इस्लाम इंतहा इस्लाम क्या है मेरे नबी से एक शख्स ने पूछा रसूलुल्लाह मल इस्लाम इस्लाम क्या है अब आपका जवाब और है क्या मतलब है कि अब आप इस्लाम की इंतहा बता रहे हैं चूँकि ये सवाल आखिरी हज के मौका पर आमर बिन आबसा रजील्ला तो ने आपसे सवाल किया जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है यारसोलम इस्लाम इस्लाम क्या है तो आप सुनिए क्या खूबसूरत जवाब है तो अपना फमाए इतम उतम कलाम इस्लाम है मेरे अज़ीज़ मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना सुबहान अल्लाह क्या ख़ूबसूरत इस्लाम बताए खाना खिलाना मीठा बोल बोलना खाना ग़रीब आदमी ना खिला सकता हो तो ज़बान तो अल्लाह ने सब को दिया है ना मीठा बोल बोलना सारी लोगों की कड़वाहटों को अंदर उतार लेना और अपनी जबान में मिठास भर के लोगों से बात करना गिले शक्वे ताने बोलियाँ तहमत इल्ज़ाम गालियाँ बेइज़्ज़त करना पगड़ी उछालने वाला इस्लाम को नहीं जानता इस्लाम से दूर है चाहे और चाहे रोजेदार हज़रत उमर का फरमान सुनो हज़रत उमर रजी अल्लाह ने कि एन्नातव तन तनजल बिल्लफ़ी सला थे लोग किसी को तहजद में रोता देख के ये न समझने कि बड़ी पहुँची हुई सरकार है इन रजुलरजुलमन अद्दल अमानत इदा तो मिन वमन सलमसलमून मिलसान ही व यदि उमर जैसी हस्ती फ़रमा रहे हैं कि सुन लो कामिल कामिल इंसान वो है जो किसी को धोखा न दे और जो किसी को दुख ना पहुँचाए वो है कामिल इंसान हमारे माहौल में इबादत गालिब हैं और अखलाक मगलूब हैं तो लंबे-लंबे नफल हर साल हज करना उम्र पे उमरा करना बहुत अच्छी बात है अल्लाह को पसंद है महबूब है लेकिन कमाल इबादत से नहीं आता तो कमाल अखलाक से आता है तो मेरे रवि ने फरमाया कि इस्लाम है मीठा बोल बोलना खाना खिलाना फिर वो पूछता है अच्छा यह रसोल्ला अयलस्म अफल इस्लाम का सबसे आला दर्जा क्या है तो मेरे नबी ने फरमाया मसलमसमू नसान ही ही जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए ये सबसे अली दर्जे का मुसलमान है आप देखिए आप क्या फरमा रहे हैं क्या ख़ूबसूरत बात जो जहाद करता है वो सबसे अली दर्जे का मुसलमान है जो तबलीग करता है जो ज़िक्र के सारे और मुराकबे के सारी मनाजिल तय करता है जो इलम के समंदर में गोते लगाता है जो रातों को उठ उठ कर रोता है जो इतने हज़ार दफ़ाइए पढ़ता है इतने हज़ार दफा ये पड़ता है इतने हज़ार दफा यह पड़ता है जो हर साल हज उमरें करता है नहीं सबसे आला अली दर्जे का मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए खैरनास मनयनफ़ान्नास ब ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचाए नफ़ा पहुँचाए इंसान मुस्लिम भी नहीं कहा हर इंसान के लिए जो सुख का वाइस बन रहा है और दुख नहीं पहुँचाता वो सबसे अला दर्जे का इंसान है